हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको माइक्रम से प्लांट हैंगर किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और मेरा और एक चैनल है टू डिसेबल लाइफ नाम से, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहले आप जाइए, चेक करिए चैनल, आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे सोशल साइट पर भी फॉलो कर सकते, मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अबाउट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, तो आप वहां से मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें माइक्रेम प्लांट हैंगर बनाने के लिए चाहिए दो कलर के माइक्रेम। मैंने यहाँ पे येलो कलर और डार्क ब्लू कलर लिया है। आप कोई भी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 4.5 इंच की ये 6 बाजू की रिंग ली है और ये राउंड रिंग 3.5 इंच की ली है। और इस तरह के फ्लावर प्रिंट वाले स्काई ब्लू कलर के बीड्स लिए हैं। मटका शेप बीड्स रेड कलर के लिए है और मीडियम साइज बेल रेड कलर के। और एज यूजुअल हमेशा की तरह लाइटर हो सीजा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 12 कॉर्ड लिए हैं। इसमें से 6 ब्लू कलर के कॉर्ड है और 6 येलो कलर के कॉर्ड है और सारे कॉर्ड हमारे 6 मीटर के हैं। अब हम इसे हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर निकाला है और अब हम किसी एक कॉर्ड से इसे रैप करेंगे। तो अब हम यहाँ से किसी एक कॉर्ड को लेंगे और यहाँ से रैप करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कॉर्ड को यहाँ पे रैप कर लिया है। ये 6 इंच तक मैंने बनाया है। आपको ये सर्कल जितना चाहिए आप वहां तक ये बना सकते हैं। तो इतना बनाने के बाद इसे हम फिर से कोई भी एक कॉर्ड लेके यहाँ पे रैप करेंगे। हमने ब्लू में ये लूप जो है बना दिया है, क्योंकि हमें हैंग करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिंग की बजाय ये इस तरह से लूप बनाया है। अब हम यहाँ से कॉलम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने ये 2 ब्लू कॉर्ड और 2 येलो कॉर्ड लिए हैं। बाकी सारे कॉर्ड साइड में रख देंगे। और ये जो मिडल वाला कॉर्ड है ब्लू कलर का, इसमें हम बीट डालेंगे। सॉरी, बेबी की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे, स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्क्वायर नॉट 15 बार लगाए हैं। 15 बार मैंने स्क्वायर नॉट लगाए हैं। इसके बाद में हम जो बीच वाले कॉर्ड है इस पर फिर से बीट्स डालेंगे। तो
मैं यहाँ पे पहले ही बिट्स डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बिट्स लिए हैं। पहले एक डालेंगे और नॉट लगा लेंगे। फिर और एक, नॉट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से ये कॉलम बनने के बाद अब हम आगे, अब जो है ये जो मिडल वाले कॉर्ड है इनको हम बाहर लेंगे और ये जो येलो कलर के कॉर्ड है इनको इस तरह से अंदर लेंगे और यहाँ पे स्पाइरल नॉट स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक ही साइड से हमें नॉट लगाने हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक ही साइड से नॉट लगाया, फिर से मैं उसी साइड से नॉट लगाऊंगी। तो ये इस तरह से स्पाइरल नॉट बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम और थोड़ा इसे बड़ा बना लेंगे। तो मैंने ये 6 इंच तक स्पाइरल नॉट लगाए हैं। इसके बाद में फिर से हमें येलो कॉलम बनाना है, तो इन दो कॉर्ड को अंदर डालेंगे और ऊपर से ये येलो कॉर्ड से स्क्वायर नॉट लगाएंगे यहाँ पे। अब इसमें फिर से बिट्स डालेंगे। फिर से यहाँ पे बीट डाल के हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे फिर से 15 टाइम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये मैंने पूरी स्ट्रिप बना ली है। बेबी रो रही है तो उसे, उस आवाज को अवॉइड कीजिए प्लीज। तो ये मैंने स्टार्टिंग 15 नॉट लगा के ये कॉलम तैयार किया। यहाँ पे फर्स्ट एक बीट्स लगाए, फिर 3 बीट्स लगाए, उसके बाद ये 35 नॉट मैंने लगाए हैं। आप ऐसे काउंट करें तो 6 इंच तक मैंने स्पाइरल नॉट लगा के कॉलम बनाया। उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ पे 3 बीट्स डाले हैं और उसके बाद में फिर से यहाँ पे 15 नॉट लगाए, 3 बीट्स, फिर 35 नॉट स्पाइरल नॉट, फिर 3 बीट्स, फिर 15 नॉट और यहाँ पे सिंपल बीट्स डाला है और नॉट लगाए। तो इस तरह से ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई है। इसी तरह से हमें और 5 कॉलम बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारे मैंने 6 कॉलम रेडी कर लिए हैं, येलो ब्लू सॉरी पर्पल, येलो पर्पल और फिर येलो, इस तरह से। अब ये नीचे, यहाँ पे मैं रिंग लगाने वाली हूँ और यहाँ पे इसे नीचे पॉट तैयार करने वाली हूँ। तो मुझे यहाँ पे नीचे एक ही कलर से बनाना है और मुझे येलो कलर चाहिए और इन कॉर्ड में हमें पर्पल कलर मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी इसकी, इस पर्पल कलर को यहाँ पे कट कर दूंगी, एक इंच छोड़ के यहाँ पे कट कर रही हूँ और यहाँ
येलो कलर की कॉर्ड में अटैच कर दूंगी। ठीक इसी तरह से और एक येलो कॉर्ड यहाँ पे अटैच करूंगी। और ये जो येलो कॉर्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं वो 80 सेंटीमीटर के हैं। अब इसमें फिर से मिडल वाले में हम बीट्स डालेंगे। और यहाँ पे एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। इसी तरह से सारे कॉलम को मैं कट करके दूसरे कॉर्ड अटैच कर लूंगी। तो अब हम यहाँ पे ये 6 बाजू वाली रिंग लेंगे। ये 4.5 इंच की रिंग है, 4.5 इंच की रिंग है। और ये जो हमने कॉलम तैयार की है इसे इस रिंग के अंदर डालेंगे। और ये 6 कॉलम है और इसके 6 बाजू है, तो एक एक बाजू पर एक एक कॉलम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम यहाँ पे लेती हूँ। अगर आपके पास ये रिंग ना हो तो आप यहाँ पे ये सर्कल रिंग भी यूज कर सकते हैं, गोल रिंग। मिडल वाले जो 2 कॉर्ड है वो मैंने सिंगल एक एक बार डाले हैं, और साइड वाले जो कॉर्ड है उसे मैंने 2 बार यहाँ पे रैप किया है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे कॉलम जो है इसे लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बीच में गैप बचता है इसमें मैंने कॉर्ड डाले हैं, सब जगह मैंने कॉर्ड डाले हैं। 3-3 कॉर्ड मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे भी मैं 3 कॉर्ड इंसर्ट करूंगी। और ये कॉर्ड हमारे 1 मीटर के है, सारे कॉर्ड 1 मीटर के, तो नीचे हमें टोटल 18 कॉर्ड लगे हैं और 1 मीटर के सारे कॉर्ड लगे हैं। कॉर्ड इस तरह से लगाने के बाद एक साइड से फिर से यहाँ से एक बार रैप कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारी जगह पर कॉर्ड डाल लिए हैं। अब हम यहाँ से सिंपल नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। कोई भी 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फ्रेंड्स अभी ये सारा मैंने नॉट लगा के लिया है। अब 2 नॉट के बीच में बीट्स डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़े ऑलरेडी बीट्स डाले हैं। तो 2 नॉट के बीच में बीट्स डालकर यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगा लेंगे।
फ्रेंड्स एक लाइन है पूरी, मैंने बिट्स लगा के नॉट लगा दिया है। अभी इसी तरह से मैं पूरा मतलब ये जो बास्केट है नीचे का वो बना लूंगी, इसी तरह से बीड्स लगा के पूरा बीडेड बना लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बीड्स लगा के 7 लाइन तक ये पॉट बनाया है। आप चाहे तो इसे कम भी बना सकते हैं या फिर ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे रिंग लगाऊंगी, ये राउंड रिंग है, 3.5 इंच की रिंग है। और यहाँ से इसे रिंग को अटैच करना स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर हमने बड़ी रिंग लगाई है और यहाँ पे जो राउंड रिंग है वो छोटी है, तो ऊपर से कॉर्ड जितने आए हैं उतने इस रिंग में नहीं आएंगे, तो हम एक कॉर्ड छोड़ के एक इस तरह से ये लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी पाइपिंग कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये रिंग मैंने रैप कर ली है, अब हमें इसे एंड करना है। तो एंड करने के लिए मैंने सारे कॉर्ड को इस तरह से पकड़ा है और कोई भी एक कॉर्ड लेके हम इसे एंड करेंगे। तो मैंने पहले एक कॉर्ड इस तरह से ऊपर की है और दूसरी कोई भी एक लंबी कॉर्ड लेके हम यहाँ पे इसे रैप करेंगे। साथ ही 8 इंच में इसे मैं कट कर रही हूँ, आप चाहे जितने डिस्टेंस पर इसे कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नीचे के कॉर्ड है इसमें से मैंने ऊपर का एक लेयर जो है वो कॉर्ड मैंने अलग से निकाले है और ये अंदर के कॉर्ड है। जो ऊपर के कॉर्ड है इसे हमें और थोड़ा यहाँ तक कट करूंगी। इसी की मेजरमेंट से सारे ये ऊपर का जो लेयर है कट कर लूंगी। अब यहाँ पे नीचे हम बेल लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर के मीडियम साइज बेल लिए हैं। तो इसी तरह से सारे बेल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने 2 स्टेप में बेल लगाए हैं और इस तरह से ये हमारा प्लांट हैंगर बनके रेडी है। Oh,
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा माइक्रेम प्लांट हैंगर का वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और मेरा और एक चैनल है 2D7 Life, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।